पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कुमार मिश्र इंदौर जिले के महू पहुंचे, जहां उन्होंने नवीनीकरण रेलवे स्टेशन का दौरा किया। मीडिया से चर्चा में बताया कि जल्द ही राऊ महू रेलवे ट्रैक दोहरीकरण कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। पश्चिम रेलवे जनरल मैनेजर मुंबई अशोक कुमार मिश्र रविवार की सुबह रेलवे के स्पेशल सैलून से महू रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीनीकरण रेलवे स्टेशन, नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 1 पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे जनरल से मिलने महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रेल सुविधा के लिए ज्ञापन सौंपा। अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि राऊ महू रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सनावत, खंडवा, इंदौर और दाहोद रेलवे ट्रैक का कार्य भी तेज गति से चलने की बात कही। सर प्लीज लुक यार, तब तक ये काम कंप्लीट हो जाए। देखिए, इसी फाइनेंशियल ईयर में जैसे हमने पहले बताया था, हमको स्टेशन पूरा कंप्लीट करना है, नई पटरियां डालनी है और उसको लिंकेज करना है, ताकि यहाँ के हम लोग ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकें, क्योंकि इंदौर पर लोड बढ़ेगा। इंदौर का भी टेंडर हमारा खुलने वाला है नए स्टेशन का, जो नया रीबिल्डिंग होना है, तो इसको टेंडर उसका NIT निकलेगी अखबार। उसी के तरह काम की क्या प्रोग्रेस है देखने आए थे, प्लस कुछ एक FOB और बनना है, प्लस वो जो उधर एक नया प्लेटफॉर्म बना है जिसे 4 नंबर कहा जाता है, अब वो इससे इंटीग्रेट हो जाए ताकि पैसेंजर्स को सुविधा मिल सके किसी विषय में। ज़्यादा सर आने वाले समय में मऊ कोर क्या ट्रेन की उपलब्धि मिलेगी? आने वाले समय में मऊ कोर कौन सी बड़ी ट्रेन मिलेगी? देखिए, ट्रेनें तो कई मिलेंगी, अब वो मेरा बताना उचित ना होगा, जैसी डिमांड है उस हिसाब की ट्रेनें मिलेंगी। सब जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये कब तक के, जैसे भी ये प्रोजेक्ट होगा उसके बाद मऊ से खंडवा है, उसमें हम लोग पाताल पानी तक तो भी ब्रॉडगेज कर देंगे सीधा। और पुरानी हेरिटेज चलती थी वो चलती रहेगी, और हमारा अलाइनमेंट अलग है, उसका सर्वे हो चुका है, लैंड एक्विजिशन प्लस फॉरेस्ट से कुछ लैंड लेनी है, उसके विषय में मैं जा रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी से मिलने, भी इसी महीने में 27 को मीटिंग रखी है भोपाल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश से, उस पर भी काम तेजी से हो। उधर हम लोगों ने पुल का भी काम शुरू करना है ओंकारेश्वर से, तो काम अब तेजी में दिखेगा आपको अगले 2 साल में, काफी कुछ ये कब तक के अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा पूरा? अभी फिलहाल जो अभी 8% डबलिंग लाइन और ये बोल स्टेशन, ये तो इसी साल हो जाए, ये तो इसी साल पूरा हो जाएगा, मतलब इसी साल मतलब ये जो 23 वो भी अभी अटेंड होगा। सर इंदौर जावगढ़ का टी तक पूरा हो गया, आगे का प्रोग्रेस क्या है? टनल में पानी भरा हुआ है पीतमपुर, बारिश इतनी हो रही है, पर अब वहाँ पे दोनों साइड से काम शुरू हो गया, ब्लास्टिंग भी की जा रही है और उसमें भी कुछ सेक्शन खोल देंगे, मतलब काम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी तो तभी चलेगी जब दही की टनल पूरी हो जाएगी। अगले साल हम लोग उम्मीद है कि ट्रेन चला पाएंगे। सांसद महोदय ने कहा था कि हेरिटेज ट्रेन के लिए कालाकुंड तक बस चलाई जाएगी स्पेशल, क्योंकि अभी हेरिटेज चालू नहीं हो पा रही है, यात्री बड़े मायूस हैं। हम लोग शुरू करेंगे, अब अगस्त में टारगेट है कि तब तक बारिश और अच्छी हो जाएगी, पानी आ जाएगा, तो वीकेंड पे शुरू करेंगे। बस तो शहर स्टेट मतलब ट्रांसपोर्ट चलाता है। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।